एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम का एक बुजुर्ग दंपत्ति रहता था। उनका जीवन सादगी से भरा था, पर उन्होंने अपने भविष्य के लिए कड़ी मेहनत की और थोड़े बहुत पैसे बचा रखे थे। उनके इकलौते बेटे अर्जुन की शादी कुछ ही समय पहले रिया नाम की लड़की से हुई थी। रिया खूबसूरत थी, पर उसके मन में लालच की भावना दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राम और सीता ने अर्जुन को बड़े ही प्यार और संस्कारों से पाला था। वे उम्मीद करते थे कि अर्जुन और रिया उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन रिया का व्यवहार अचानक बदलने लगा। वह हर समय नई नई चीजों की मांग करती और चाहती कि उसे सबसे महंगे कपड़े और गहने मिले। अर्जुन, जो माता पिता की बहुत इज्जत करता था, पत्नी के सामने मजबूर हो गया। एक दिन रिया ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे माता पिता ने काफी पैसे जमा किए, हमें वो सारे पैसे ले लेने चाहिए, क्यों ना हम उन्हें घर से बाहर निकाल दें। अर्जुन चौंक उठा, क्या माँ बाबूजी को घर से निकाल दें? पर रिया के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने धीरे से कहा, हाँ, हम उन्हें किसी बहाने से भेज सकते हैं और फिर ये घर और पैसा हमारा होगा। अर्जुन का दिल कांप उठा, पर उसने रिया की बात मान ली। अगले दिन अर्जुन अपने माता पिता के पास गया और बोला, माँ बाबूजी, हम आपको लेने आएंगे। राम और सीता को अपने बेटे पर विश्वास था। वे उसके झांसे में आ गए और गांव के बाहर उस सुनसान जगह पर चले गए। वहां पहुंचते ही उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ धोखा हुआ है। सीता ने उदास होकर कहा, हमें धोखा दिया गया, अर्जुन ने हमें यहाँ क्यों छोड़ा? राम ने शांत स्वर में कहा, चुप रहो, हमें धैर्य रखना होगा। दूसरी ओर रिया घर में खुश थी, अब ये सब हमारा है, उसने अर्जुन से कहा। लेकिन कुछ दिन बाद घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते तो कभी कोई छाया दिखती। रिया डर कर चीखी, ये क्या हो रहा है? ये घर सजा देने आई है। अर्जुन घबरा कर उठा, दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर भी उसे एहसास हो गया था कि कुछ गलत हो रहा है। अगले दिन अर्जुन और रिया भागते हुए उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने राम और सीता को छोड़ा था। वहां का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राम और सीता ने वहां अपने लिए एक छोटा सा घर बना लिया था। वे शांति से रह रहे थे। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, क्यों आए हो यहाँ? अर्जुन और रिया की आंखों में आंसू थे। रिया ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमने गलती की है, हम लालच में आ गए थे। राम ने धीरे से कहा, लालच और धोखा अंत में हमेशा बुरा ही करता है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे अपने बच्चे ऐसा करेंगे, पर अब जो हो गया सो हो गया। अर्जुन और रिया रोते हुए अपने माता पिता के पैरों में गिर पड़े। वे दोनों समझ चुके थे कि लालच का अंजाम हमेशा विनाशी होता है।